नमस्कार मित्रों, मैं सचिन सिंह और शौर्य गाथा में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। गुरु नानक देव जी ने एक ऐसे विकट समय में जन्म लिया जब धर्म के नाम पर अंधविश्वास और कर्म कांड का बोलबाला था। विदेशी संस्कृति का हमला देश की संस्कृति पर हो रहा था। गुरु नानक देव जी जन सामान्य की आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान करने वाले महान दार्शनिक और विचारक थे। अपनी सुमधुर सरल वाणी से जनमानस के हृदय को झनकृत कर देने वाले महान संत कवि भी थे। वह क्रांतिकारी कवि की तरह बाबर जैसे अत्याचारी शासक की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे तो जातीय वैमनस्यता और धार्मिक रंजिशों में फंसे समाज को सही दिशा भी दिखाते थे। आध्यात्मिक विचारक संत होने के साथ साथ गुरुजी एक महान देशभक्त भी थे। वे सच्चे अर्थों में एक क्रांतिकारी युग पुरुष थे। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। अंधविश्वास और आडंबरों के कट्टर विरोधी गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव या जन्मदिन कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु नानक जी पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर एक किसान के घर जन्मे थे। उनके मस्तिष्क पर शुरू से ही तेज की आभा थी। तलवंडी, जो कि पाकिस्तान के लाहौर से 30 मील पश्चिम में स्थित है, गुरु नानक जी के नाम के साथ जुड़ने के बाद आगे चलकर ननकाना साहब कहलाया। गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव पर प्रतिवर्ष भारत से सिख श्रद्धालुओं के जत्थे ननकाना साहिब जाकर के अरदास करते हैं। ये विडंबना और दुखद है कि बंटवारे के समय हमारे अदूरदर्शी नेतृत्व ने ननकाना साहिब को भारत में ना मिला, उसे पाकिस्तान को दे दिया था। गुरु नानक देव जी बचपन से ही गंभीर प्रवृत्ति के थे। बाल्यकाल में जब उनके अन्य साथी खेल कूद में व्यस्त हो जाते थे तो वह अपने नेत्र बंद कर चिंतन मनन में खो जाते थे। यह देख उनके पिता कालू एवं माता तृप्ता चिंतित रहते थे। उनके पिता ने पंडित हरदयाल के पास उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा, लेकिन पंडित बालक नानक के प्रश्नों पर निरुत्तर हो जाते थे और उनके ज्ञान को देखकर समझ गए कि नानक को स्वयं ईश्वर ने पढ़ाकर संसार में भेजा है। नानक को मौलवी के पास भी पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन वह भी नानक के प्रश्नों के उत्तर ना दे पाया। नानक जी ने घर बार छोड़ दिया और दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास जी की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। मान्यताओं के अनुसार गुरु नानक नित्य बेई नदी में स्नान करने जाया करते थे। एक दिन वे स्नान करने के पश्चात वन में अंतर ध्यान हो गए। उस समय उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। परमात्मा ने उन्हें अमृत पिलाया और कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे वे भी आनंदित होंगे। जाओ, दान दो, उपासना करो, स्वयं नाम लो और दूसरों से भी नाम का स्मरण कराओ। इस घटना के पश्चात वे अपने परिवार का भार अपने ससुर को सौंप कर विचरण करने निकल पड़े और धर्म का प्रचार करने लगे। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ विदेशों की भी यात्राएं की और जन सेवा का उपदेश दिया। बाद में वे करतारपुर में बस गए और 1521 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक वहीं रहे। गुरु नानक देव जी ने जात पात को समाप्त करने और सभी को समान दृष्टि से देखने की दिशा में कदम उठाते हुए लंगर की प्रथा शुरू की। लंगर में सब छोटे बड़े, अमीर गरीब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते हैं। आज भी गुरुद्वारों में उसी लंगर की व्यवस्था चल रही है, जहाँ हर समय हर किसी को भोजन उपलब्ध होता है। गुरु नानक जी ने अपने अनुयायियों को 10 उपदेश दिए जो कि सदैव प्रासंगिक बने रहेंगे। गुरु नानक जी की शिक्षा का मूल निचोड़ यही है कि परमात्मा एक, अनंत, सर्वशक्तिमान और सत्य है। वह सर्वत्र व्याप्त है। मूर्ति पूजा आदि निरर्थक है। नाम स्मरण सर्वोपरि तत्व है और नाम गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरु नानक की वाणी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत है। गुरु नानक जी पर ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।